हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूँ आपके लिए हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के सिलसिलेवार क्वेश्चन, जो आपको हर एक पीसीएस में काम देंगे। तो दोस्तों, आइए टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। स्टार्ट करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। देख लेते हैं इसके बारे में। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में होता है, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा का निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्तिपूर्ण देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। फैजपुर अधिवेशन में उल्लेखनीय है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी। ये सही है दोस्तों। सच्चिदानंद सिन्हा किनके साथ जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ? निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था? जी.बी. मावलंकर। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देख लेते हैं इसके बारे में। कांग्रेस द्वारा वायसराय की नवीन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू ने पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, 2 सितंबर 1946, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं ली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था दो सितंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946।
1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। देख लेते हैं इसको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इस सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था, जबकि विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? आसिफ अली। वर्ष 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तथा लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह था वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? लियाकत अली खां। निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे? अबुल कलाम आजाद। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। इसके बारे में देख लेते हैं। बंगाल में एके फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार वर्ष 1946 के चुनाव में में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। इसमें प्रधानमंत्री एच एल सुहरावर्दी थे। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? 16 अगस्त 1946 को। देख लेते हैं इसके बारे में। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई। वायसराय के अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उस तिथि को दंगे फैलाने एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही में नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी फरवरी 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। भारतीयों ने वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर
पर घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947 को। अंग्रेज़ों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, सही है। अंग्रेज़ द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी सही है, लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, ये गलत है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की, ये सही है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्रदान हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। उन्नीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, सही है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ ने। इसके बारे में देख लेते हैं। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? डॉक्टर किचलू। इसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। सन 1947 को के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। देख लेते हैं इसको। 14 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने
मतदान किया था। इसका प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव के समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया तथा पटेल और नेहरू ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? संविधान सभा ने। 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया? एम एस सुब्बलक्ष्मी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे अंबेडकर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। डी सही है। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने और राजेंद्र प्रसाद ने। सॉरी गलत हो गया, जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्यार्थ संतुष्टि की थी? सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। पंद्रह अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज का शिशु था यह कथन किसका है? आर कोपलैंड का। निम्नलिखित में से किसने कहा कि
ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, के एम पणिक्कर ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था जॉर्ज सस्टम। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में? रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था 1773 ईस्वी में? निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रविधान किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? इनमें से कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 ईस्वी का एक्ट। देख लेते हैं इसको थोड़ा। 1786 ईस्वी के एक अधिनियम ब्रिटिश संसद के सम्मुख इस भावना से रखा गया ताकि कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए। यह गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। नए अधिनियम के अनुसार यह सब स्वीकार हो गया तथा उसे विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 का एक्ट। इसी में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राम अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसा विनिमय का कारण क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्तियों से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, ये था। काउंसिल में परम सत्ताधीन के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी था। गवर्नर जनरल को काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये भी था। काउंसिल में गवर्नर जनरल के विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये नहीं था। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुष्टि निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? माउंट एगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म द्वारा। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। माउंट एगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1918 प्रथम
1918 प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी अनुशंसा की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए तथा उच्च भारतीय सिविल सेवा के एक तिहाई पद भारतीयों के लिए आरक्षित होने चाहिए। माउंट एगू जेम्स फोर्ड की संतुष्टि के आधार पर ही 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। एचिसन आयोग 1887 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ नहीं आयोजित की जानी चाहिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 में। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? चार्टर्ड एक्ट 1853। निम्न में से किस एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? 1922 में। देख लेते हैं इसको थोड़ा। वर्ष 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। इससे पूर्व यह केवल इंग्लैंड में आयोजित होती थी। 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1937 के संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया। 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया 1950 में। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में मिला था। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 में मिला था। चार्टर एक्ट 1813 भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापित करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया? चार्टर एक्ट 1833। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा।
देख लेते हैं थोड़ा। 1775 और 1764 के युद्धों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो इस प्रकार है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पीस इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम, प्रमुख प्रावधान निम्नोक्त है। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 सालों के लिए बढ़ाना, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, लेकिन उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए का अधिकार प्राप्त रहा। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के में हस्तांतरित किया गया 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। केवल ये सही है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।